करेक्ट, जैसे मैंने कहा ये हम लोगों ने स्केचिंग कर दी है और अभी लाइट पिंक कलर से पहले लाइट टोन हम लोग लगा रहे हैं, अवॉइडिंग द व्हाइट शाइनिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। और ऑल्सो यहाँ पे जो येलो कलर के है वो एरिया भी हम लोग छोड़ रहे हैं। अभी ये अगर कलर उठाना है जब तक वेट है तब तक ये उठा भी सकते हैं आप। And don't bother too much about making it exactly as per the photograph. अच्छा ही दिखता है वो, बाद में मोटा मोटी बनाना है अपने को दे देते। ओके चलो, पिंक इज ऑलमोस्ट डन, इधर उधर कुछ रहेगा तो देखेंगे बाद में। हाँ, इसको डार्क कलर का देना है, बाद में करते हैं। तो राइट नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स प्लेन ग्रीन, तो सिमिलर टू पिंक एक सैप ग्रीन करके कलर रहता है, देखिए आपको कैमलिन के बॉक्स में। तो लाइट ग्रीन जैसे मैंने पेंट करे तो आपको शेड पता चलेगी उसको, ये देखिए। तो ये उसको भी एक लाइट कलर के आप, उसमें तो व्हाइट है ही नहीं है, तो पूरा का पूरा बना दीजिए। इनफैक्ट व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं थोड़े से ये कलर जो है ये वेट रहेंगे तभी ब्लू भी दे दूंगा, थोड़े इधर उधर मिक्स हो जाएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। इट विल लुक लाइक अ वाटर कलर नॉट लाइक अ फोटोग्राफ, तो वो इम्पोर्टेंट है। देखते हैं थोड़ा इसको, ग्रीन पैचेस बना रहा हूँ मैं, ज्यादा कुछ नहीं है जरूरत। इधर यहाँ पे लीफ शायद है ही नहीं, लेकिन एक बैलेंसिंग के लिए मैंने डाल दिया। ये है यहाँ पे एक लीफ है, ये फ्लावर के अंदर गया हुआ लीफ है कुछ। चलो वो भी एक बना देते हैं। यहाँ पे काफी बड़े बड़े लीव्स हैं। और यहाँ बड़ा सा बड़ा। चलो ये फ्लावर के अंदर गया है। ओके आई थिंक दैट सम ग्रीन पार्ट बिफोर आई विल ओवरलैप इट विथ स्काई ब्लू कलर। स्काई ब्लू है, आपको दोनों में से कुछ भी दे सकते हो, कोबाल्ट ब्लू रहेगा आपके बॉक्स में, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन आल्सो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोबाल्ट ब्लू भी हो सकता है, चाहिए तो दे सकते हो, या फिर ऐसे है, या फिर सेरुलियम ब्लू, ये सेरुलियम ब्लू है वो भी दे सकते हो। ये बैकग्राउंड है सब, तो ज्यादा डिटेल में काम इस पे का नहीं करेंगे हम, जो है वो बाद में फ्लावर पे ही करेंगे। ये तो फर्स्ट वॉश बोलते हैं इसको, तो ये फर्स्ट वॉश चल रहा है अपना। अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर द बेनिफिट, जो भी है नए प्लेयर्स है इसमें, तो वो मेरा पहला वाला जो है मैंने भेजा था वैसे बना के रुक जाएंगे तो भी चलेगा, बट दिस यू कैन कीप ऑन ट्राइंग एज अ सेकंड पेंटिंग एट ऑन द सेकंड पेपर, मे बी अनदर पेपर वैसे भी कर सकते हो आप। तो स्पेशली ये
और शेडोज वगैरह जो है वो निकालने के लिए इनिशियली यू में नॉट बी कंफर्टेबल, एंड व्हाट हैपेंस इज डिसकंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा लगी ना तो टेंडेंसी इज टू फॉरगेट अबाउट, ये मेरे से नहीं होगा, तो ये पेंटिंग बंद हो जाता है फिर. तो वो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दैट, तो इसके वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि जुड़े रहे लोग एंड यू कैन कंटिन्यू विद एंड मूव. I can relate to that sir because I am a perfectionist. I wanted to be perfect. Perfect कभी होता नहीं है, फिर मैं छोड़ देती हूँ midway. नहीं, वो होता है सभी के साथ होता है और you are no exception actually. तो ये अपने I feel very disappointed with myself कि वो हो मेरे से तो नहीं हो रहा है. और public भी generally they are very happy to criticize rather than ये नहीं तुमसे नहीं होगा छोड़ो करके. तो स्पेशली अपने सीनियर्स रहेंगे, पेरेंट्स अभी नहीं रहते ये उम्र में शायद, लेकिन जो भी है. बहुत सारे लोग इसीलिए छोड़ देते हैं बिकॉज दे. और दूसरा फिर चीज ये रहता है कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट के हम लोग देखते जाएंगे ना, तो फिर अपने को लगता है कि ये cannot match that, है ना. ये वैसे नहीं होता है, हर एक की वैसे स्टाइल रहती है. No paintings cannot be compared, ऐसा बोला जाता है. हर एक की स्टाइल के मुताबिक रहता है वो. तो आजकल तो इतना लिबरल हो गया, we can call, I mean everything is appreciated actually. Absolutely, absolutely. ये जो abstract वगैरह हो गए ना, very liberal. Main thing is I'm enjoying what I'm doing. I think बहुत time के बाद मैंने शुरू किया है. Absolutely. I'm enjoying. जैसा भी बने कोई बात नहीं सर, आपको दिखाऊंगी क्या मैच्योर पेंटिंग, बट इट्स ओके. ये इट्स ओनली दैट यू आर एट व्हाट लेवल इज डिसाइडेड बाय द टाइम यू हैव स्पेंट. वो बाकी स्किल पे इतना नहीं है डिपेंडेंट, ऐसा मेरा व्यक्तिगत कहना है. तो ये फर्स्ट वॉश ऑलमोस्ट ओवर है, बोल पाऊंगा बाद में उसको डिटेल्स देख सकते हैं उसको. मैं इसमें करते रहता हूँ, कभी फेल होता है कभी हो जाता है ठीक. ये अलग ब्लू कलर का लिया है मैंने और थोड़ा सा मैं उसको करता हूँ कैसे दिखता है. Right. So now we are moving towards the second layer, darker layer. तो उसके लिए ये flowers के बीच में ribs है, dark color के, लाल color के, pink color के, रहते हैं generally. We all ये किस कौन से है? Jasmine flower है ना, right? तो उसको वो ribs निकालते हैं. उसके लिए मैं
दो कलर के ब्रश लेता हूँ, उसमें कौन से कलर है? Our, we can squint our eyes and see. पिंक तो है ही है, डार्क पिंक उसमें, लेकिन मुझे तो थोड़ा सा ऑरेंज भी लग रहा है, तो वो भी अच्छा लगेगा उसमें. हाँ, पिंक ऑरेंज ऐसा थोड़ा, और मिक्स नहीं करना है उसको, अलग अलग देते दे जाएंगे. एंड लेट वॉटर ऑरेंज हाँ, और ये सेंटर फ्लावर में तो मुझे ये बीच ऑरेंज दिख रहा है बीच में, और उसके ऊपर फिर पिंक हो गया है, ऑरेंज पिंक ऐसा. एनीवे, आपको जैसे लगेगा वैसे आप करिए, तो वो हर एक का परसेप्शन रहता है. तो आई विल प्रोसीड विद दैट. ओके, थोड़ा ब्रश ये लेता हूँ मैं फ्लैट वाला. आई विल गो अहेड विद द ऑरेंज एंड पिंक, और बाद में उसको ब्राउन बाद में दे देंगे. ओके ओके, डिसीजन इज मेड. वी हैव टू, वो थोड़ा ये मैं बोलते रहता हूँ, वो पेंटिंग इज लाइक बिजनेस, रिटर्न्स आर कॉमेंसुरेट विद द रिस्क यू टेक. तो नो रिस्क नो रिटर्न्स, तो रिस्क तो लेनी है, या लो रिस्क लो रिटर्न बोल सकते हैं, एकदम जीरो पे नहीं लेके जाते हैं, लेकिन रिस्क तो लेनी पड़ती है. चलो, तो मैं प्रोसीड करता हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैं ये ऐसे ऐसे इफेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, टू शो दोज फ्लावर्स की, बाद में निकालने के लिए आसान जाएगा. येलो येलो कलर वहाँ पे एक्चुअली पहले भी दे सकते थे. क्या दे दूँ? दे देता हूँ. तो सिंपल है, लाइट आपके कैमल के बॉक्स में वापस, यू विल हैव अ कलर कॉल्ड एज लेमन येलो, तो वो लगा दीजिए यहाँ पे. ये देखिए सेंटर में राइट. एक्चुअली ये थोड़ा सा उसमें व्हाइट भी डालेंगे तो भी चलेगा. कहाँ पे है? यहाँ पे भी है. और कहाँ पे है? बस उतने ये ऊपर है. चलो ओके, अभी ये कंटिन्यू करेंगे. और इसको थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं है लंबा वो ऑरेंज. अभी उसको पिंक कलर कंटिन्यू करूंगा मैं, डार्कर पिंक. लेकिन अभी ये ऑरेंज में मैं मिक्स होने दूंगा उसको. आइडिया इज टू, नेचर में भी ऐसे लाइंस नहीं रहती है, द कलर्स आर जस्ट मूविंग फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर, तो उसी में मजा आता है. फिर ये डार्क, और उसपे अभी और लाइटर कलर्स, तो लाइट 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 लाइट. ये अभी ये हम लोग वी आर गिविंग मिड टोन, सॉर्ट ऑफ मिड टू डार्क बोल सकते हैं. कुछ समझ में आ रहा है ये? हाँ, ये वेट है, तब तक ही करना है उसको, ड्राई होने नहीं देना है. दीज आर ऑल ट्रिकी थिंग्स.
गुड, सो आई विल लीव इट एट दैट. उसको बाद में जो लाइंस है वो बाद में दे देंगे. तो राइट नाउ और उसको डार्क टोन देना है, वो एक्चुअली वेट इन वेट करने का कोशिश करता हूँ मैं. देखते हैं वेदर आई एम सक्सेसफुल. नो रिस्क नो रिटर्न जोन में है हम लोग यहाँ पे. इट विल स्प्रेड एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट. लेट अस सी चलेगा. ये है ये डार्क टोन सीधा. तो मैंने मिड टोन दिया, बाद में ये डार्क टोन दे रहा हूँ मैं. मेरा ये प्रोसेस वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो यू कैन वॉच इट लेटर ऑन ऑल्सो एडिशनली इन लाइव. तो लाइव है ये. किस कलर से कर रहे हैं? ये डार्क ब्राउन है. ये आपका जो इसमें बॉर्ड सियाना करके कलर रहेगा शायद, तो उसमें आप थोड़ा सा ब्लैक कलर डाल सकते हैं, थोड़ा सा. ठीक. सेम प्रोसेस फॉर द अदर फ्लावर. अगेन वहां भी ऑरेंज है, ऑरेंज से ही चालू करेंगे. ऑरेंज रेडिश ऑरेंज, थोड़ा सा रेड भी डाल रहा हूँ मैं ऑरेंज में. रेडिश ऑरेंज यहाँ पे भी है. यहाँ पे ये साइड में पंक्ति में कम है, ये साइड में ज्यादा है. कधी येते म्हणाले काहीतरी कार्पेंट घातलं हे काय म्हणत होते ना फर्निचरच्या दुकानाकडे. डार्क पिंक हा मागे कंटिन्यू करे बर. काय बघायचं अभी? क्या ऑरेंज और क्या मिला है आपने? ऑरेंज, ये ऑरेंज ही है, उसमें थोड़ा सा रेड डाल दिया है मैंने. लेकिन नहीं डाला तो भी चलेगा, लेकिन मैंने उसको रेडिश ऑरेंज लग रहा है मुझे, तो वैसा कर दिया. ओ नहीं करेंगे तो भी ज्यादा सीरियस मामला नहीं है. उसको हम लोगों को शेड जो है उसका रिलेटेड पेंटिंग उसमें बाद में करना है, वो हो जाएगा. पानी का खाली ब्रश लेके उसको स्प्रेड कर रहा हूं मैं, उसके लाइंस नहीं आनी चाहिए करके. बस अभी उसको अगेन डार्क ब्राउन देना है अंदर. काफी यहाँ पे बड़ा है ये, दिस फ्लावर इज इन शेड, तो उसके वजह से वो डार्क ब्राउन ज्यादा है यहाँ.
हुआ। ये डार्क कलर देने से मुकरना नहीं है, उसी से पेंटिंग अच्छा दिखता है। तो जहां डार्क है वहां है, यू स्क्विंट योर आईज कंपेयर द टू फोटोग्राफ वर्सेस योर पेंटिंग, तो सफिशिएंट डार्क लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है तो फिर बढ़ाते जाओ। चलो मेरा लग रहा है अभी, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द अपर फ्लावर अगेन ऑरेंज से चालू। ऑरेंज मतलब ऑरेंज प्लस थोड़ा सा रेड, हाँ अभी इसमें ना वो पंखड़ी को उसकी लाइन क्रिएट हो रही है, या ये फ्लावर में नीचे की पंखड़ी की लाइन, तो वो बहुत क्रिस्प बनाना है वहां पे एज। I hope you have understood what I am saying. ये पूरा का पूरा almost pink है अभी आगे, because ये छाव में है ये this flower shade, पूरा ही उसमें light tone है ही नहीं, मतलब there is no sunlight on this flower. ये छाव में है, पूरे अंधेरे में नहीं छाव में है, तो वहां पे वाइट छोड़ा नहीं है हमने और ना ही छोड़ेंगे, छोड़ने का इरादा है। तो ये है इसमें अभी वायलेटिश कलर है, तो वो भी मैं दे ही देता हूँ लगे आपको क्योंकि उसमें स्प्रेड हो जाएगा तो अच्छा ही दिखेगा वो। ऊपर से नीचे स्ट्रोक दे रहा हूं मैं, सो दैट नीचे का ऑरेंज कलर थोड़ा सा रिटेन्ड रहेगा। गुड, तो नीचे से अगेन छोटा वाला ब्रश, वहां से ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्राउन प्लस ब्लैक, वो कलर नीचे लेना है। We are moving to the next flower. ये फ्लावर भी मेरे स्टेप में इंप्रूवमेंट दिख रहा है मुझे, पहले से दूसरा अच्छा, दूसरे से तीसरा अच्छा है। So this is what happens with practice. Again starting with what? Orange again? Yes, why not? Orange, थोड़ा सा रेड, ये हो गया मिक्स, यहाँ पे भी पर्पल और वायलेट है बाद में, ठीक है वो बाद में देखते हैं। फिलहाल
हमारा जब जब आर्ट क्लास रहता है तो बात करने वाले बहुत कम रहते हैं, सब इतने वो मेडिटेशन क्लास रहता है. पेंटिंग इज लाइक मेडिटेशन. हाँ, बस हो गया. स्विच ओवर टू पिंक. करूँ क्या? मैं कर सकता हूँ, मैं म्यूट ऑल, बट आपको अनम्यूट करके मेरे से बात करनी पड़ेगी. हाँ चले. तो मैं तो बात कर सकता हूँ. आई थिंक दे आर परमिटिंग द एडमिन. गुड, तो ये हो गया. नाउ वी विल गो टू तो ये शेड में पार्ट है, तो उसका मैं वायलेट यूज करके, या पर्पल बोलते हैं इसको, शायद पर्पल. आई एम यूजिंग दैट पर्पल. एंड एक्चुअली वो अभी अगली स्टेप भी कर रहा हूँ मैं, क्रिएटिंग द शेडोज. वो शेडो जो है वो पर्पल कलर लेके हम लोग कर रहे पेंट. ग्रेट, यहाँ पे फोल्ड हो गया है वो. इंटरेस्टिंग है. ये फोल्ड है. नेचर भी सुपर्ब रहता है. वाओ, ग्रेट. सो दिस फ्लावर इज अगेन ऑलमोस्ट. नाउ वी आर मूविंग विल इसको भी, सॉरी, डार्क कलर तो देना ही है इसको भी. सो डार्क ब्राउन या ब्राउन प्लस ब्लैक, ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है इसको. ब्राउन सरफेस डिफाइन दिस. ये चांस छोड़ने का नहीं. ये पंखड़ी, पंखड़ी को डेफिनेशन दे सकते हैं ये डार्क से. तो this is the opportunity to define. Wonderful, great, wow. Sir, I will have to redo my painting because जब तक light pink था, there was freshness. अभी वो ऊपर orange और वो किया है तो वो एकदम color freshness ही नहीं है, dull हो गया है. तो मैं दोबारा से करूँगी. I think हाँ, हाँ, नहीं, आप लेकिन वो flower अभी training में है करके छोड़ दीजिए, बाकी के तीन flower कर दीजिए.
because I will just I think I will just keep it flat because I'm a beginner तो मेरे को लगता है उसको flat ही छोड़ूंगी. ये second color मेरे से ना merge हो रहा है और उसमें freshness भी नहीं आ रहा है, वो बहुत dull हो गया है, इतना bright ही नहीं है. I know what you are saying exactly. So Namita ji, मेरा कहना ये है कि आप ये पहले ये painting कर ऐसे painting कर दीजिएगा. हाँ जी हाँ हाँ हाँ. और ये painting जो है इसके ऊपर फिर आप layer डालना शुरू करिए. ये सिंपल इसलिए मैंने दिया था. एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज दोज माइक्रो टिप पेन से फ्लावर्स को डिफाइन करना. राइट नाउ यहाँ पे राइट साइड वाला मेरा जो पेंटिंग है एडवांस वाला, उसको डिफिनेशन ऑफ द पेटल्स इज कमिंग बाय यूजिंग डार्क फ्लावर बिहाइंड. तो ऊपर का फ्लावर उठ के उभर के आ रहा है. Have a look at these pictures. Right, तो वैसा करिएगा आप. तो हमें वो नहीं इतना प्यारा लगता है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना वो डेफिनेशन उसकी इम्प्रूव होती जाती है. सो नाउ वी विल गो टू शेडोज. अपने आप वो अलग 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 फ्लावर जो है वो डिफाइन होते जाएंगे. जैसे ये रिब हो गई है अपनी, ये डिफाइन हो गई है बिकॉज ऑफ द डार्क फ्लावर. तो वैसे अपने को सभी फ्लावर के एजेस डिफाइन करने पड़ेंगे और वो होते ही जाएंगे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे. चलिए अभी मैं डार्क कलर देना शुरू करूंगा तो अपने आप वो थिंग्स विल चेंज. शैडो जो है वो पर्पल से ही दूंगा मैं तो अपने आप. जैसे अभी ये ऊपर से ही चालू करते हैं. ऊपर का अभी मैंने स्क्विंट किया आईज तो ये सफिशिएंटली डार्क नहीं है तो उसको और डार्क मुझे करना ही पड़ेगा. चलो ये देखिए डार्क, फिर ये पार्ट भी है डार्क. ये यहाँ पे एक ऐसी शैडो है और यहाँ पे आ गया है. इसको मैं एजेस को, ये राइट वाले एज को सॉफ्टन कर रहा हूँ. दैट सॉफ्टनिंग ऑफ द एज मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, आई रिपीट. ये कोई कोई एजेस ना ये शार्प नहीं रहती है तो उसको मॉइस्ट ब्रश लेके, मॉइस्ट कैसा करना है, ब्रश को पानी में धो के वो अपने कपड़े के ऊपर एक्स्ट्रा पानी निकाल के मॉइस्ट करके उसके घुमाया ना तो वो एज सॉफ्ट होती है. जैसे ये एज सॉफ्ट हो गई, अभी ये एज यहाँ की एज मैंने हार्ड ही रखी है लाइक दैट. तो पर्पजली यू हैव टू टेक सम डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट दोस. तो होते जाता है, अभी इसको सूखने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी ये साइड को भी वो पूरा का पूरा जो है एरिया उसको थोड़ा एक 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 या दो पॉइंट वैल्यू उसकी मैं बढ़ा रहा हूँ सो दैट इट विल लुक लाइक इट इज इन शैडो. ये पूरा का पूरा जो है यस पूरा शैडो में आ गया. समझे मैं क्या किया मैंने? तो ये ऐसे यू हैव टू कीप ऑन प्लेइंग विद द वैल्यूज एंड डोंट वरी अबाउट डार्कर शेड्स अगेन.
ये लाइट कलर जो है मिड टोन तक देते हैं सब लोग, लेकिन डार्क टोन देने से मुकरते हैं. बट दैट इज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द पीपल हु हैव बीन पेंटिंग रेगुलरली, तो उनके लिए. अदरवाइज मेरा पहले वाला जो है पेंटिंग, मैंने उसको ही आप कंप्लीट करिए एंड यूर वर्क फॉर दिस पेंटिंग इज डन, डोंट गेट इन टू दिस मैटर. सो दिस फ्लावर, अभी ये एजेस कैसे अच्छे दिख रहे हैं और ये चमक रहा है फ्लावर लाइक दैट. तो अगर जरूरत पड़ी तो इसको थोड़ा सा पिंक बाद में कर सकते हैं, अभी तो व्हाइट ही छोड़ा है मैंने. तो दिस फ्लावर इफ आई स्क्विंट माय आईज वैल्यूज आर मोर ऑर लेस मैचिंग, तो मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल. आई विल, ये फ्लावर को भी वैल्यू अच्छी है बाय एंड लार्ज. इसको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ है इसको दे देते हैं थोड़ा एरिया, ये और ये अपॉर्चुनिटी भी है. शायद दूसरा फ्लावर मेरा डिफिनेशन डिफाइन हो जाएगा. ये यू आ रही है और ये यहाँ पे उसकी थोड़ी युवा हो रही है. राइट, ओके शल आई मूव टू द सेंट्रल फ्लावर. वहां पे हाउ इज द सिचुएशन? यस आई नीड टू गिव दैट पर्पल, बट लाइट पर्पल बिकॉज दैट इज टोटली इन सनलाइट. आई विल कंटिन्यू टू गिव यू टू वर्शंस, सिंपलर वर्शन फॉर द न्यू कमर्स फॉर अ मंथ टू मंथ्स, आप कंटिन्यू करिए उस पे ही. एंड अदर्स कैन गेट इन टू यहां पे एक वी कैन अगेन डिफाइन नाइस. यस ये अच्छी चमक रही है. तो एक्चुअली दिस इज द ओरिजिनल फ्लावर, दिस इज नॉट अ फोटोग्राफ, लेकिन काफी हद तक वो पेंटिंग ब्रश कैसे ही दिख रहा है. I think God also might be using brushes. Good. Now, काम आसान हो गया है. ये यहाँ पे भी है. God's strokes are perfect, no? हाँ, बिल्कुल. वो तो कहीं गलतियां नहीं रहती है. वही इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे थोड़ा पिंक भी है. आई यूज अ डिफरेंट ब्रश, आई यूज लिटिल थिनर ब्रश. गॉड्स क्रिएशन एक्चुअली वी कैन अप्रिशिएट मोर इफ वी डू पेंटिंग. तो इतना डिटेल में देखने को टाइम किसको है, ना ही फुर्सत है ना ही इंक्लिनेशन है. ये जब हम लोग पेंटिंग करते हैं तब जाके इतना डिटेल में देखते हैं. Then we appreciate the creations of God. Great. इसको मैं अभी soften करूंगा वो साइड का एज
एक ब्रश क्लीन करके लिया मैंने और ये घुमाया, इस पे भी पिंक लगा देते हैं। और लाइन भी बनाने हैं बाद में, दैट विल बी फिनिशिंग टच। वेयर आर वी, वी आर एट वाओ 7 मिनट्स पास्ट अवर टाइम। सो अगर किसी को क्लास छोड़ना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल बिकॉज आई मे टेक अनदर 10 मिनट्स। आई नो प्लीज प्लीज गो अहेड, आई अंडरस्टैंड बिकॉज ये क्या है, पेंटिंग को पहले कितना टाइम लगेगा ये जज नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सर। यस यस प्लीज गो अहेड। ये डार्क है तो अकॉर्डिंगली can have that value. This part also is in shade. So, usme pink has become purplish. So, ye sabhi jo shade mein hai, wo purple color use kar rahe hain. थोड़ा सा ऑरेंज भी है उधर, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, थोड़ा सा डाल देते हैं बीच में ऐसे। ये शैडो हो रही है, बन रही है अभी, अलग अलग डार्क कलर लेके और उसे ऊपर की वो पंखड़ी भी, ये देखिए उसका मैं एज बनाते जा रहा हूँ सो दैट वो भी डिफाइन हो रही है।
वाह मजा आ रहा है। यहाँ भी शैडो है। यहाँ पे टर्न किया है पंखड़ी ने, तो स्मॉल डिटेल्स ना इफ यू नोटिस एंड इम्प्लीमेंट सो दैट विल ऐड वैल्यू टू द पेंटिंग। गुड, आई थिंक आई विल मेक रिब्स नाउ। वेट करके यू कैन गिव द कलर यूजिंग टिश्यू पेपर, काफी सॉफ्टन हो गया, ठीक है, सो द डैमेज इज कंट्रोल्ड। इसको नाउ फॉर द रिब्स यू कैन टेक अ इनर ब्रश और ऑरेंज पिंक, थोड़ा सा डार्कर पिंक ही है एक्चुअली, उसे करना है तो आपके लिए क्रिम्सन रेड रहेगा। सो इट इज मूविंग फ्रॉम इन टू आउट, अंदर से बाहर, राइट, ऐसे। So you need not actually copy, you can find out the mood of the painting. If maybe crimson hi lena abhi zara change kar do, making it little darker. Ribs. It will define the flower.
थोड़ा it is entering the white shining surface of the flower. Interesting. बहुत प्यारा बन गया, पहले नहीं लग रहा था, अब तो नहीं नहीं वाटर कलर तो वही रहता है, हाँ slowly it will evolve. बहुत खूबसूरत है, जारी रखना. And you have to imagine how it will happen, how it will look later on. Thank you. आज मैं सिर्फ देख रही हूँ, मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था. नहीं 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 वही तो. और मैंने फ्लावर जो बनाया था वो थोड़ा छोटा बन गया, तो मुझे लगा फिर से बनाना पड़ेगा, तो हाँ. ये छूटेगा. हाँ ये मैं पेंटिंग नहीं छोड़ना चाह रही थी देखने के लिए. करेक्ट 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 करेक्ट. मैं पूरा वाच ही कर रही हूँ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं उसको ना ये 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 स्केच है ना माला जी, तो आपको क्या करना है, ये पेपर की साइज वही प्रोपोर्शन में एक तो होनी चाहिए, जैसे इसकी विड्थ छोटी है ये लंबाई है, हाँ तो एग्जैक्टली वो पेपर मोर ऑर लेस वही प्रोपोर्शन में बड़ा या छोटा हो गया. तो अभी ये देखता हूँ मैं कि ये जो है ना ये पोर्शन येलो ये मोटा मोटी ये सेंटर में है, पेपर के सेंटर में बनाना है उसको, जैसे ये मेरे भी पेपर के सेंटर में बना दिया. फिर वो पेपर में सेंटर में ये वर्टिकली सेंटर में है क्या, नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में बना दिया. ऐसे करते जाना है. ये रिप कहाँ पे है पेपर से, रफली इतनी इतनी ऊंचाई पे, तो उतने यहाँ पे मार्क कर दिया लाइन, एक यहाँ पे उसकी ये कहाँ पे है, तो सेंटर से थोड़ा राइट में है, यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दी. ऐसे करके तीन चार पॉइंट मार्क कर दिए, वो एरिया में फ्लावर बनाना है. ऐसे करते जाइए आप, तो वो खाली डायरेक्टली फ्लावर बनाने को लिया ना तो वो गड़बड़ हो सकती है, फिर वो छोटा या बड़ा हो जाता है. कोई डायरेक्ट बनाया हाँ, तो उसको छोटा या बड़ा होता है फिर वो, तो उसको थोड़ा सा केयरफुली प्लानिंग करके करना पड़ता है वो. They are originating always from the center and moving away. तो वैसे ही बनाना है उसको, फिर उसको ये जो रिप्स को थोड़े opportunity to sort of define these petals also.
और ये जैसे मैंने बोला दिया हुआ है बेसिक लेवल के लिए, तो वो बहुत ही फर्क पड़ता है, मतलब वो आसान हो जाता है वो, अगर आप स्केच पेन वगैरह या इससे लाइन ड्रॉ करो तो बहुत आसान होता है, तो वो शुरू में करना बहुत अच्छा मेथड है, दिखने में भी एकदम नॉर्मल ही अच्छा ही दिखता है वो। आप तो अभी ब्रश से कर रहे हैं ना, पतले ब्रश हाँ से? ये बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्रश, ये पतला वाला ब्रश है, मतलब ये आपको कितना भी बोला है, 3 नंबर बोला है मैंने, ये शायद 1 नंबर भी हो सकता है आपको, इसके वजह से ये अगर आपको पेन से करना है तो पेन से कर सकते हैं, लेकिन ब्रश से बड़ा से छोटा ऐसे बना सकते हैं, पेन से एक ही साइज का हो जाता है वो लाइन। थोड़े से व्हाइट में भी लाइंस बन रहे जा रहे हैं एक्चुअली। यहाँ उसको लाइन आ रही है, ये ट्रेंड क्या है वो खाली देखना है, बाकी लाइंस अपने ही बनाने हैं। ये नीचे की पंखड़ी डार्क शैडो में चली गई, थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ा देता हूँ, सब वैल्यू का खेल है, डार्क कितना लाइट कितना, बस बाकी अपने आप पिक्चर सही हो जाता है फिर वो। मैं अभी थोड़े से डार्कर शेड्स है डार्क ब्राउन जैसे, इतना ब्राइट तो नहीं है ये, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है, ये भी ऊपर का पार्ट है। अभी ना ये फ्लावर को डेफिनेशन आने के लिए हम लोगों को ये ग्रीन जो है को डार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे ये मुड़ा हुआ लीफ है, वो
ऊपर का लाइट है। डार्क वैली जो बनाते हैं तो उसके रिलेटेड जो दूसरा लाइट कलर का रहता है वो उभर आता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसका वापर करते जाना है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो अपने आप वो जैसे ये अभी इसको डिफाइन करना है, यहाँ पे कुछ लीप भी बीच में आ गया है, अच्छा लग रहा है ना, नहीं उसको मैं ज्यादा डार्क वैल्यू कर रहा हूँ। तो भी डार्क कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। आई नो दैट। तो ये ऊपर आ गया बराबर ऐसे, तो यू टू कीप ऑन डूइंग दैट और ये फिर अच्छा लगता है। ये भी इसको ग्रीन दे दे के ब्लू ही दे दे, चलो ब्लू लगा देते हैं यहाँ। ये यू गया है, अच्छा ऐसे है, और ये साइड को सॉफ्ट कर देता हूं। तो ये आ गया, ऐसे बनाते जाना है। एंड यू कैन यूज योर इमेजिनेशन विच मे और मे नॉट बी देयर इन द ओरिजिनल पेंटिंग। जैसे इसको थोड़ा सा बना देते हैं, राइट, कैसे है यहाँ पे ये फ्लावर और ये फ्लावर के बीच में थोड़ा अंदर जा सकता है वो। ये डार्क है, इसके वजह से थोड़ा सा उसको डेफिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं हम। और ये थोड़ा सा पानी वाला ब्रश लेके इसको ऐसे घुमा दिया यहाँ पे, तो ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसको अंदर लगा देते हैं और, तो दो अलग अलग फ्लावर्स जैसे दिख रहे वो। तो दैट इज हाउ यहाँ पे भी कर सकते हैं थोड़ा, यू कैन मॉडिफाई एज पर अवर इंटरेस्टिंग। ये कैसा है,
अगेन टॉप ऑन दीज एजेस. तो ये फ्लावर सब ओवर आ रहे हैं. Right. With that, I think I will almost, I've come to the end. I don't want to work too much on this. ये यहाँ पे थोड़ा कर सकते हैं. ये ऐसे यू अंदर गया है फ्लावर. Light. पिंक मुझे लग रहा था थोड़ा पिंक देना पड़ेगा. एकदम प्लेन व्हाइट से अच्छा लग रहा है. मैं भी बोलने वाली थी कि राइट साइड में व्हाइट ज्यादा है, लेफ्ट साइड में थोड़ा कम है, मतलब पिंकिश दिख रहा है. हाँ तो उसको कर. परफेक्ट, यू आर राइट. तो ये लोकल डिसीजंस लेते जाना है. लाइट टू डार्क कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एडवांटेज यू कैन ऑलवेज. बहुत प्यारा बना है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है. थैंक यू. चलो ये आप अटेम्प्ट करिए. यू कैन, ये मेरे हिसाब से आपको अगर नहीं इतना डिटेल में जाना है तो आप थोड़ा सा कम डिटेल भी कर सकते हैं. राइट. लेकिन डिटेल में जाए बगैर खूबसूरती नहीं आएगी ना. हाँ वो भी है. तो वो भी है, यू आर राइट. करनी पड़ेगी ये. हाँ मुझे लगा था उससे जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, मुझे लगा नहीं था काफी ये रहेगा. राइट. इसको अभी फ्रेमिंग, ये टिप रहती है फॉर द न्यू कमर्स की, मिल जाती है स्टेशनरी शॉप में. इट इज कॉल्ड मास्किंग टेप. उससे अपने को ये, अभी मेरा ये बोर्ड जो है वो 20 डिग्री एंगल पे है, तो उसके वजह से वो थोड़ा नीचे छोटा और ऊपर बड़ा दिख रहा है आपको. बट बेसिकली इट इज, दीज आर द टू साइड बाय साइड. बहुत बहुत प्यारा बनाया सर, बहुत.